हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या होते हैं, कहां से आते हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, आज मैं आपको पूरा सिस्टमैटिकली पढ़ा दूंगा। आपको मैं इसको याद भी करा दूंगा ताकि आपके दोनों एग्जाम्स की तैयारी हो जाए, आपके बोर्ड्स की भी और आपके एंट्रेंस एग्जाम की भी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आइए इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बारे में समझते हैं कि होते क्या हैं। तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन आपको देता हूँ कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या होती हैं। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेस ऐसे सर्फेसेस होते हैं जिनके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। नाम से ही समझ में आता है, बहुत कुछ बयां करता है इसका नाम। तो दो सर्फेसेस हूज पोटेंशियल इज सेम At every point, ऐसे surfaces जिनके हर point पे potential same होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? Equipotential surfaces कहते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ equipotential surface क्या होता है। Example के तौर पे आप क्या करिए, एक charge लीजिए, मान लीजिए plus Q charge आपने ले लिया। ठीक है, अभी plus Q charge से r distance पर, ध्यान दीजिएगा, r distance पर अगर आप कहते हैं कि सर पोटेंशियल कितना होता है, अगर आपसे पूछो पोटेंशियल कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर पोटेंशियल होता है 1/4πε0Q/r, इतना पोटेंशियल होता है r डिस्टेंस पे। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अच्छा बताओ ये वाले r डिस्टेंस पे कितना होगा, ये सेंटर से मिलाया था, ये वाले r डिस्टेंस पे कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर v = 1/4πε0 को k बोलते हैं, तो क्या आएगा फिर से KQ/r। आप बोलेंगे सर KQ/r। फिर बोलता हूँ ये वाले r डिस्टेंस पे कितना होगा, आप बोलेंगे सर वही KQ/r। फिर ये वाले r डिस्टेंस पे कितना होगा, KQ/r। फिर ये वाले r डिस्टेंस पे KQ/r, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, अब आगे भी वही, है ना, समझ आ रहा है? 3D में बात कर रहा हूँ। तो अगर ये चार्ज है तो r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल है पॉइंट चार्ज की वजह से, KQ/r, यहाँ पर भी KQ/r, यहाँ पर भी KQ/r। ऐसे अगर हम लोग बहुत सारे r डिस्टेंस पे पॉइंट्स लेंगे, ऐसे अगर आप उसको चारों तरफ घुमाएंगे, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे क्या मिल जाएंगे, पॉइंट्स मिल जाएंगे, इतने सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये जो पॉइंट्स आपको मिले, ये सब के सब पॉइंट जो r डिस्टेंस पे है, इन सब पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। कितना पोटेंशियल है, KQ/r। अब जो ये पॉइंट चार्ज से r r डिस्टेंस पे मुझे पोटेंशियल मिला, क्या मिला, KQ/r, उन सबको ऐसे अगर मैंने मिला दिया तो क्या आएगा, एक सरफेस मुझे मिलेगा। उस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, उस सरफेस को हम लोग बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आ गया? तो ऐसे इमेजिन कर सकते हो जैसे एक चार्ज है और यहाँ पर क्या है, अपन ने एक फुटबॉल की लेयर बना दी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? आर डिस्टेंस का क्या कर दिया मैंने, एक फुटबॉल बना दिया, एक लेयर आ गई। ये क्या हो गया तुम्हारा, ये सब पॉइंट्स को मिलाने के बाद बन गया एक इक्विपोटेंशियल सर्फेस। समझ आ गया? इक्विपोटेंशियल सर्फेस यानी क्या, एक ऐसा सर्फेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, सेम है। समझ आ गया? अब इससे अगर मैं आर वन डिस्टेंस पे जाऊंगा और ऐसे ही मैं सबको मिला दूंगा तो क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सर्फेस। बात समझ में आ रही है? तो सबसे आसान तरीका है इक्विपोटेंशियल सर्फेस को समझाने का। तो अगर कोई आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है, उसे r डिस्टेंस पे जाओ, तो जितने भी आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, ऐसे 3D में जितने भी पॉइंट्स मिल जाएंगे, उन सारे पॉइंट्स को मिला करके जो सर्फेस बनेगी, उस सर्फेस को आप क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सर्फेस बोलेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो बहुत आसान है। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सर्फेस एक ऐसा सर्फेस होता है जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम। क्लियर हो गया? बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये अपने को समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है इसके बाद, आप समझने की कोशिश करो। इक्विपोटेंशियल सरफेस तो अपने को बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो बताओ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। क्लियर हो गया? सिर्फ ये पॉइंट चार्ज के लिए नहीं, ऐसे अलग अलग चार्ज सिस्टम्स के लिए वो क्या है, डिफाइंड है। मैं आपको इस लेक्चर के एंड तक बता भी दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़िए। यही आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, लेकिन इसको बराबर से समझाया नहीं कि वो क्या है, कुछ पॉइंट्स बना दिए उसने, तो मैं आपको उसको और सिंप्लीफाई करके देता हूँ। तो इसमें आप लोगों को अभी नेक्स्ट पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल अगर कोई सर्फेस होगा तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, वो प्रॉपर्टीज अपने को निकालनी है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ रही? तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, समझने की कोशिश करिए कि नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर
ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर के दो पॉइंट पर अगर हम लोग चार्ज को मूव करवाएंगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ता। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास ये क्या है, कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पर आपने क्या कर दिया, ये दो पॉइंट्स ले लिए, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, एक को ए बोलते हैं एक को बी बोलते हैं, ठीक है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो अपने को पता है इसका पोटेंशियल वी है, इसका पोटेंशियल वी भी, और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। अब अगर आप ए से बी तक चार्ज को लेकर के जा रहे हैं तो वर्क कितना करना पड़ेगा, तो वर्क करना पड़ता है क्यू वी बी माइनस वी ए। ये आपको बहुत पहले शुरुआती लेक्चर में मैंने बता दिया था कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी माइनस वी ए, ये होता है, ये अपने को बात समझ में आती है। अब मैं क्या करूंगा, क्यू, लेकिन अपने को पता है वी बी माइनस वी बी इक्वल टू वी ए है, यानी दोनों इक्वल है, अगर दोनों इक्वल है तो ये जीरो हो गया, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ आया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो गया, यहाँ पर वर्क डन जीरो हो गया, यानी आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट्स पे अगर आप क्या करते हैं, चार्ज को चला करके लेकर जाते हैं, तो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलाने में आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वर्क जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, आगे क्या नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप लोग ये देखेंगे अभी कि जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होती है। मैं समझाता हूँ आपको क्या है, फैन स्लो कर देते हैं थोड़ा, आवाज कम आएगी आपको, ठीक है। माइक जो है वो ऑफिस पे भूल गया हूँ मैं, तो बिना माइक के रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ठीक है। सब मैंने बंद किया है, होप आपको सारी चीज़ें सुनाई दे रही होंगी, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट जो होगा, सेकेंड पॉइंट है इसका, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार इज ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी परपेंडिकुलर एट एवरी पॉइंट ऑफ एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। मतलब समझाता हूँ मैं, मान लीजिए कि हमारे पास कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट हमारा बी है, ठीक है, ये ऐसे था, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना हर पॉइंट पे, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई बार क्या होगा, ई बार आपका हमेशा क्या होगा, नॉर्मल होगा सरफेस को। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों है, मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों है, समझने की कोशिश करिए। जो आपके इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस हैं, अगर क्या हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर एंगल पे आ जाए, ये आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे आ जाए, है ना, ये मेरा सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए परपेंडिकुलर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए तो क्या होगा, इसके कंपोनेंट बनेंगे। मान लो एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई साइन थीटा। समझ में आ गया। अब ये जो कंपोनेंट है ई कॉस थीटा, यहाँ पर जो चार्जेस होंगे, ई कॉस थीटा क्या करेगा, उनको चलाना शुरू कर देगा, और अगर यहाँ पर चार्ज चलना शुरू कर देंगे तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो रहा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस रेस्ट पर होते हैं, तो चार्ज तो चल ही नहीं सकता, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो यहाँ पर पहला लॉजिक तो ये है कि अगर ई जो है अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा, किसी एंगल पर होगा, तो इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक ई कॉस थीटा और एक क्या बनेगा, ई साइन थीटा, और ई कॉस थीटा क्या करेगा, चार्जेस को चलाना शुरू कर देगा। क्लियर हो गया। लेकिन चार्जेस यहाँ पर चल नहीं सकते, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस रेस्ट पर होते हैं। ये पहला लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक ये हो गया कि अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, किसी एंगल पे होगा, तो ये तो उसको चलाएगा। अब हम ये चाहते हैं कि चार्जेस ना चलें, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उल्टा वर्क करना पड़ेगा। लेकिन पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया था, पहले पॉइंट आपको ये बताया था मैंने कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज को मूव करवाने के लिए वर्क डन जीरो होता है। वर्क डन तो जीरो होता है, तो हमको चार्जेस को फिर रोकने के लिए, वहीं पर रोके रखने के लिए वर्क क्यों करना पड़ेगा, वर्क डन तो वहां पर जीरो होता है। तो सेकंड लॉजिक इसका ये है। समझ आ गया। जो भी लॉजिक से आपको समझ में आता है तो आप उसको मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर ही होगी। समझ आ गया, क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर नहीं हुई, किसी एंगल पे हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, चार्जेस को, उसका एक कंपोनेंट चार्जेस को चलाना शुरू कर देगा,
और चार्जेस चलने शुरू हो गए तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं रहेगा, वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बन जाएगा, लेकिन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, तो दो पॉइंट हो गए। तीसरी प्रॉपर्टी मैं आपको समझाता हूँ, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है, इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस आर क्लोजर इन अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या, मतलब मैं आपको समझाता हूँ उसका। अगर आपके पास क्या है, इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस हैं, और अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर स्ट्रांग होगी वहाँ पर आपके इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस होंगे वो बहुत ही नज़दीक नज़दीक होंगे। मैं एग्जांपल, मैं आपको पहले मैथमेटिकली समझाता हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। मैथमेटिकली कैसे समझेंगे, E इज इक्वल टू होता है -dV/dr, ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मैं dV को कांस्टेंट मान लेता हूँ कि चेंज इन पोटेंशियल कांस्टेंट है, कांस्टेंटली पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr हो जाएगा। दिस इंप्लाइज मैं लिख सकता हूँ dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। मतलब क्या, अगर दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं, एक पोटेंशियल सर्फेस 1 सर्फेस 2, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है dr है, तो डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी डिस्टेंस क्या होगा, उतना कम होगा। स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। बहुत वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। समझ आ रहा है, क्लियर होगी बात। तो बेसिकली आपको ये समझाना चाहता है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहां पर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस जो होंगे वो क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सर्फेस आपके बहुत ही वीक होंगे, तो बहुत दूर दूर होंगे, और स्ट्रांग होगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इक्विपोटेंशियल सर्फेस क्या होंगे, बहुत ही पास पास होंगे, नजदीक होंगे, ठीक है। मैथमेटिकली आपको बता दिया मैंने, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, जैसे अगर मेरे पास क्या है, दो प्लेट्स हैं, मेटल की शीट्स हैं, और मैंने क्या कर दिया, ऐसे बैटरी को कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया बैटरी को, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ऐसी क्या होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो क्या होगा, यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सर्फेस होंगे ना, ये बहुत नज़दीक नज़दीक होंगे, जैसे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो बहुत नज़दीक नज़दीक क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल सर्फेस होते हैं। कैसे बनते हैं उससे आपको लेना देना नहीं है, आपको बस केसेस को याद रखना है कि इस केस में ये ऐसे इक्विपोटेंशियल सर्फेस होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत नज़दीक है। अगर वीक होती इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ऐसे कुछ बनते हैं, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, तो जहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सर्फेस नजदीक नजदीक होंगे, और जहाँ पर वीक होगी वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सर्फेस क्या होंगे, दूर दूर होंगे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट भी आपको मैंने समझा दिया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, चौथी प्रॉपर्टी, सर मैंने इसको समअप कर दिया है, इससे आपको याद हो जाएगा अच्छे से। चौथी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि नो टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस, no two equipotential surfaces intersect each other। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो equipotential surfaces हैं तो कभी भी intersect नहीं कर सकते। अब रिंग सर ऐसा क्यों होता है, बताता हूँ मैं आपको, देखो समझने की कोशिश करो, समझाता हूँ मैं आपको इसको, ठीक है। तो लिख लीजिएगा चौथा पॉइंट, मैं आपको समझा रहा हूँ फोर्थ पॉइंट अभी क्या है। तो फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास मान लीजिए कि ये एक इक्विपोटेंशियल सर्फेस है, वो 3D में है, समझ आ रहा है, 3D में है, मैं उसका आपको साइड व्यू बता रहा हूँ, और ये एक इक्विपोटेंशियल सर्फेस है, ठीक है। ये जो सर्फेस है, सर्फेस के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ये तो इसका परपेंडिकुलर है, और इसी पॉइंट पे ये सर्फेस को ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सर्फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। यानी अगर मैं यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर चलेगा तो क्या होगा, भाई क्या चार्ज टूट करके दो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, समझ आ गया, यहाँ तो चार्ज कन्फ्यूज हो जाएगा ना भाई कि कहाँ जाना है, इधर जाना है कि उधर जाना है, समझे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो दो डायरेक्शन आ जाएंगे, उससे क्या होगा, अगर वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो चार्ज इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, क्या टूट टूट के जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपके पास अगर दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। आपकी बुक में कुछ लिख दिया है, मैंने एक्सप्लेन किया है उसको, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चार प्रॉपर्टीज को समअप कर दिया है मैंने कि किस तरीके से आपकी किताब ने आपको प्रॉपर्टी समझाई है। तो
तो आप लोग प्रॉपर्टीज याद रखिएगा इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बताइए, अगर आप इक्विपोटेंशियल सर्फेस के कोई भी दो पॉइंट्स पे चार्ज को चलाने की कोशिश करेंगे तो वो वहाँ पर वर्क डन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, तो वहाँ पर डेल्टा वी का जीरो आ जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट हमने ये देखा कि जो आपकी इक्विपोटेंशियल सर्फेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होती है, क्योंकि अगर नॉर्मल नहीं होगी तो उसका एक कंपोनेंट बनेगा, वो कंपोनेंट क्या कर देगा, जो वहाँ पर चार्जेस है उसको चला देगा, और चार्जेस चलने लगेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं रहेगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बन जाएगा, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक, उसके बाद हमने तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा, तीसरा पॉइंट पढ़ा कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहाँ पर क्या होगा, आपका इक्विपोटेंशियल सर्फेस बहुत ही नज़दीक नज़दीक होंगे, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सर्फेस क्या होंगे, दूर दूर होंगे। और चौथा पॉइंट हमने ये पढ़ा प्रॉपर्टीज़ में कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सर्फेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? तो अगर कोई प्रॉपर्टी पूछे या उसका डेफिनेशन पूछे तो यहाँ तक की कहानी आपके दिमाग में बैठा दी है मैंने। एक अगर एक बार भी नहीं समझा तो दूसरी बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत लूसिड लैंग्वेज में और डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने, करने की कोशिश की। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद अलग अलग चार सिस्टम्स का आपने वो क्या करना है, एक ही पोटेंशियल सर्फेस देखना है, फिर आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 8.9 जो है वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, आइए अभी जो है हम लोग क्या करते हैं, आइए आपकी बुक में हेडिंग नहीं दी है, मैं हेडिंग लगा रहा हूँ ताकि आसानी हो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ इन वेरियस केसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस इन वेरियस केसेस, अलग अलग केसेस में मैं आपको क्या करता हूँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस समझा देता हूँ, बता देता हूँ। सबसे पहला हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपके पास कहीं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो है ऐसे सर्फेसेस बनते हैं इसके, ठीक है, ये ऐसे सर्फेसेस बनते हैं, ठीक, ऐसे सर्फेसेस बनते हैं ये ऐसा, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं। क्लियर हो रहा है? यानी ये अगर आपके पास क्या है, ऐसे फील्ड लाइंस हैं, तो ऐसी प्लेट्स आ रही हैं, समझ आ गया, इक्विपोटेंशियल सर्फेस जो इस तरीके से बनते हैं। कैसे बने उससे आपको कोई लेना देना नहीं, आपको बस याद रखना है इस केस में ऐसे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बनते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि आपकी बुक में वैसे ही दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद इक्विपोटेंशियल सर्फेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट केस इक्विपोटेंशियल सर्फेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से बना के देता हूँ मैं आपको, ये चीज़ मिस आउट किया है मैंने स्टार्ट में ही बताया था, फिर से बना रहा हूँ मैं, आपकी बुक ने मिस आउट किया है। तो ये आपके पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो बताओ इक्विपोटेंशियल सर्फेस क्या बनेगा, ऐसे बनेंगे इक्विपोटेंशियल सर्फेस, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ये सर्कल नहीं है बच्चों, ये क्या है, ये स्फीयर है, क्या ये स्फीयर है, तो जो डॉटेड लाइन है वो क्या है, आपके इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं, समझ आया, क्लियर हो गया। तो ये एक इक्विपोटेंशियल सर्फेस है, इन सर्फेस पे जितने भी पॉइंट जा रहे हैं उन सब पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या है, सेम होगा। मान लो अगर ये 10 वोल्ट है तो ये कितना होगा, 8 वोल्ट होगा, वो मान लो 6 वोल्ट होगा, इस तरीके से कुछ वेरी कर रहा होगा, समझ आया, क्लियर है। तो ये क्या है, पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं जो मैंने डॉटेड बनाए हैं, ठीक है, चलिए। उसके बाद तीसरा केस क्या होगा आपका, तीसरा केस में अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर हम लोग दो इक्वल अपोजिट चार्जेस ले लेते हैं, ठीक है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, यानी क्या इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है, टू इक्वल अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में मैं आपको समझा दूँ, आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, आपके पास ही नेगेटिव चार्ज, ठीक, आप क्या ऐसे होता है बताओ ज़रा, ऐसे ये आपकी फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, आपकी फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बताइए, ये ऐसी जाती हैं फील्ड लाइंस, पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे एंड हो जाती हैं, ठीक है, उसके बाद ऐसा है,
पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से क्लियर हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से कुछ बनता ही है। ठीक है, ऊपर का जरा सही से बना लेना ताकि मैं तुम लोगों को समझा पाऊँ हो क्या रहा है ये। ठीक है, इसको मैंने ज़्यादा ज्ञान दे दिया, शायद नीचे वाले को सही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा है हमारे पास। अब इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल सरफेस पे नहीं आया हूँ मैं, ये जो है मैं सिर्फ आपको फील्ड लाइन बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पर जो अपने पास ये क्या होगा, इसमें तो एंटर करेंगी फील्ड लाइन्स। ठीक है, तो ये ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये बनेगा, अब ये तो अपने पास फील्ड लाइन्स बन गई। अब इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस कैसे बनेंगे, तो इक्विपोटेंशियल सर्फेस क्या करने का, ऐसे आप लोग क्या करेंगे, ऐसे ये जो मैं बना रहा हूँ ये जो है इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस इसके अंदर। ठीक है, ऐसा है, बस आपको डायग्राम्स क्या करने हैं, देखने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये और ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस हैं। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से इस केस में बनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट केस आपको मैं समझा देता हूँ। नेक्स्ट केस क्या है इसके अंदर, अब अगर हमारे पास दो सिमिलर चार्जेस होंगे, मान लीजिए दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, टू इक्वल अपोजिट चार्जेस था, टू सिमिलर चार्जेस ले लेते हैं। तो टू सिमिलर चार्जेस के केस में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तो टू सिमिलर चार्जेस यानी मान लीजिए कि दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है। मान लीजिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है आपका, पॉजिटिव है। ऐसे अगर हो जाए, तो दोनों अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, दोनों अगर पॉजिटिव है तो सबसे पहले तो यहाँ पर अपने क्या होंगी फील्ड लाइंस, ये ऐसी जाएंगी, ये ऐसी फील्ड लाइंस आएंगी, ये भी ऐसी फील्ड लाइंस आएंगी। ठीक है, ये ऐसी क्या होंगी फील्ड लाइंस आएंगी। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा, ये इस तरीके से ऐसा एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, ये पता होगा आप लोग को। ऐसी फील्ड लाइंस बना रहा हूँ मैं सबसे पहले, ये अपने पास क्या है, ऐसी फील्ड लाइंस है। ठीक है, उसके बाद जो है अब क्या है समझने की कोशिश करो, यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस कैसे बनेंगे। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेस के लिए आपको क्या करना है, ये आप लोगों को ये सर्फेसिस बनाने हैं, ऐसे कुछ सर्फेसिस बनते हैं इसमें। ये जो सर्फेस बना रहा हूँ मैं, ये क्या है इसके इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस हैं। ठीक है, और ये ऐसे एक एनवलप भी होता है इसका। ठीक है, चलो भाई, तो इस तरीके से ये आपका क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सर्फेस होता है। तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सर्फेस। बस आपको क्या करना है, डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से, टेक्स्ट बुक्स में से ज़्यादा बेटर वे में डायग्राम जो दिए हुए वो आप लोग बनाएंगे। तो ये जो मैंने बनाए हैं ये सब, ये तो फील्ड लाइंस हैं, उसके अलावा ये जो मैंने ऐसे कवरिंग बनाई है, और ये जो है ये सब क्या है, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं। क्लियर हो गया, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। और बताता हूँ, इक्का दुक्का और है वो बताता हूँ, फिर न्यूमेरिकल करा देता हूँ। टेक्स्ट बुक से सब देख करके याद कर लेना है। ठीक है, तीन हो गए, चौथा मैं आपको बता देता हूँ। फोर्थ जो होगा आपका, फोर्थ क्या है, फोर्थ है बिटवीन टू मेटल प्लेट्स। दो अगर मेटल प्लेट्स होंगे तो उनके बीच में इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस कैसे होगी, तो मैंने आपको बताया है पहले भी। तो बिल्कुल इस तरीके से होगा, ऐसा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने बताया ऐसी प्लेट्स होंगी, वो वैसे ही हैं जैसे मैंने वो आपको बताया था, ऐसे ही हैं वो, लेकिन आपको क्या कर रहे हैं वो साइड व्यू दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से मेटल प्लेट्स हैं। ठीक है, और फिफ्थ केस में क्या करेंगे, अगर ये मेटल प्लेट में से क्या करेंगे, एक प्लेट को रिप्लेस कर देंगे और एक मेटल स्फीयर अगर डाल देंगे वहाँ पर, तो एक प्लेट को रिप्लेस करके मेटल स्फीयर अगर आ जाएगा यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरीके से बनेंगी, ऐसे सीधा होते 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 लास्ट में तो एक प्लेट है सीधा, ये अपनी प्लेट है, ये प्लेट है, और ये सब क्या है, इक्विपोटेंशियल सर्फेस हो जाएगा अगर यहाँ पर मेटल स्फीयर आ गया तो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये क्या होंगी आपकी, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस होंगे, वो मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं आपके न्यूमेरिकल करा देता हूँ। तो आई होप मैंने इक्विपोटेंशियल सर्फेस आपको समझा दिया, प्रॉपर्टीज भी आपको समझा दी, और डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन से केस में कैसे कैसे इक्विपोटेंशियल सर्फेस बनाए। ठीक है, टेक्स्ट बुक में सारी चीज़ें दी है, एक मैंने ऐड भी किया उसके अंदर, आई थिंक डायपोल वाला नहीं है आपकी टेक्स्ट बुक में, तो डायपोल वाला आपको समझा दिया। ठीक है, कोई तो एक नहीं है यार, पॉइंट चार्ज का नहीं है, डायपोल का है, पॉइंट चार्ज का नहीं है, वो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया और फिर से अलग से भी बता दिया। ठीक है, अब जो है आपकी बुक का एक न्यूमेरिकल है, वो मैं आपको करा देता हूँ, आइए न्यूमेरिकल करा देता हूँ मैं आपको। न्यूमेरिकल क्या है देखें, न्यूमेरिकल जो है नहीं, एग्जाम्पल 8.9 क्या कहता है उसको देखते हैं।
8 पॉइंट एग्जांपल कहता है स्मॉल पार्टिकल कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इनटू 10 टू माइनस 19 कूलम्ब इज सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4000 वोल्ट एंगस्ट्रॉम वोल्ट अक्रॉस देम फाइंड द मास ऑफ द पार्टिकल. दो आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं, डायग्राम नहीं दिया है मैं बना देता हूँ डायग्राम, और एक पॉजिटिव पोटेंशियल पे एक नेगेटिव पोटेंशियल पे है और दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 4000 वोल्ट, इतना पोटेंशियल डिफरेंस है. और एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, कोई नेगेटिव पार्टिकल है यहाँ पर, नेगेटिव पार्टिकल, और नेगेटिव पार्टिकल क्या कर रहा है सस्पेंडेड है इन इक्विलिब्रियम. सस्पेंडेड मतलब लटका हुआ है हवा में, तो अगर लटका हुआ है तो ये ऐसा कुछ है. ठीक है, क्लियर हो गया. और यहाँ पर क्यों लटका हुआ है, क्योंकि नीचे क्या होगा, नीचे होगा इस पर एम जी लग रहा होगा और ऊपर क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बैलेंस कर देंगे. समझ में आया, क्लियर हो गया. तो इस तरीके से ये क्या है आपका, नीचे एम जी लग रहा होगा ऊपर एफ ई, तभी ये क्या है बैलेंस हो गया और ये क्या है सस्पेंडेड है. और कितने मीटर अपार्ट है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर. ठीक है, आपको बोलता है कि पार्टिकल का मास निकाल करके बताइए. ठीक है, ये आपको निकालना है. कैसे निकालेंगे आप लोग, आइए मैं आपको समझाता हूँ. तो इसको समझने की कोशिश करिए. तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है कि सस्पेंडेड है. सस्पेंडेड मतलब कि नीचे के एम जी ने ऊपर के जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को बैलेंस कर लिया है. ठीक है, तो अगर ऐसा है तो मैं लिखूंगा एम जी इज इक्वल टू क्या होगा एफ ई. एफ ई क्या होता है बताओ जरा, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा एम जी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा क्यू होगा एम जी, और ये क्या हो जाएगा क्यू. ई क्या होता है, ई होता है वी बाई डी. समझ में आ गया, ई क्या होता है वी बाई डी होता है. ठीक है, मास आपको निकालना है तो मास बताइए क्या होगा, मास होगा क्यू वी अपॉन जी डी हो जाएगा. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू कितना है, क्यू है 1.6 इनटू 10 रेस टू माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाय वी कितना है, वी है इसका 4000 वोल्ट यानी 4 इनटू 10 रेस टू 3 डिवाइडेड बाय जी कितना है, जी तो 10 में मानूंगा अप्रोक्सीमेटली, और डी कितना है, ये है आपका डी 10 इनटू 10 रेस टू माइनस 2. समझ में आ गया, ये तो नीचे का पहले ही 1 हो जाएगा, कुछ बचा ही नहीं फिर. तो ये हो जाएगा 10 रेस टू माइनस 20, 16 4 64, 64 इंटू 10 रेस टू माइनस 20 इंटू 10 रेस टू 3 मतलब माइनस 17 इंटू 10 रेस टू माइनस 17 किलोग्राम. ठीक है, ये होना चाहिए, चेक कर लेते हैं एक बार. 64 एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेटली वही आया है, 6.53 इंटू 10 रेस टू माइनस 16 किलोग्राम. समझे, क्लियर हो गया. तो मैंने आपको टोटल एक पोटेंशियल सरफेस समझा दिया, उसकी प्रॉपर्टी सब कुछ बता दी. ठीक है, आपको कुछ पोटेंशियल सरफेस अलग अलग केसेस में जो होंगे वो मैंने आपको उसके डायग्राम्स बना दिए, बना करके बता दिए, और मैं जो एग्जांपल 8.9 दिया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में वो भी करा दिया. ठीक है, तो अगर कुछ नहीं समझा हो तो कॉमेंट सेक्शन में उनको बताइए, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ. ओके, थैंक यू.